प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी की ओर से विधानसभा चुनावों में पार्टी का चेहरा कौन होगा इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में शुक्रवार को होटल क्लॉक सामेर में राजस्थान स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन कुमारी शैलजा बैठक कर रही है। जयपुर एयरपोर्ट पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कुमारी शैलजा का स्वागत किया। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कुमारी शैलजा पीईसी मेंबर्स के साथ अलग अलग फीडबैक ले रही है। वहीं राजस्थान स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन कुमारी शैलजा के जयपुर पहुँचने की खबर लगते ही बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी का टिकट चाहने वाले कार्यकर्ता होटल पहुंचे। इस दौरान वहां गहमा गहमी का माहौल रहा। टिकट चाहने वाले कार्यकर्ता अपने हाथों में बायो डेटा लेकर अपने समर्थकों के साथ पहुंचे, लेकिन अव्यवस्थाएं होने के बाद उन्हें बाहर भेज दिया गया। माना जा रहा है कि टिकट चाहने वाले उम्मीदवारों के साथ अलग से चर्चा कर सकती है। लोगों में काफी जोश देखा जा रहा है। थोड़ा सा मैडम एक मिनट आप बोलिए। काफी जोश जा रहा है। आप हटी नहीं मैडम, कर लेंगे मैडम। एक मैम लोग मैम सामने देखे प्लीज। काफी जोश देखा जा रहा है। बिल्कुल, ये राजस्थान की हवा है, लोगों का उत्साह है और पार्टी के लोग इस चीज को देख रहे हैं। अच्छा रहे। सदस्यों से स्वागत करेंगे प्लीज। जो जिन सदस्यों को हम उस दिन नहीं मिल सके तो आज उनसे हम मिलेंगे और उनके जो भी वो मशवरा देना चाहेंगे उनकी बात सुनेंगे हम। उनके सुझावों को कितना अहमियत राहुल गांधी देंगे? राहुल गांधी जी तो हमेशा वर्कर की बात को अहमियत देते हैं और वही इस बार होगा। इसीलिए हम सबके विचार ले रहे हैं ना, ताकि आगे राहुल जी तक हम पहुँचाएंगे। महिलाओं की टिकट की बात थी, क्या महिलाओं को आप अलग से समय देंगी, अलग से मिलेंगी उनसे, कुछ ऐसा प्लान? महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, पुरुष भी हैं, सब हैं, सबसे मिलेंगे। अतिरिक्त टिकट की बात हुई है कि महिलाओं को ज्यादा टिकट इस बार दिए जाएंगे, तो उनको क्या अलग से हमारी हमारा प्रयास होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, विनेबिलिटी सबसे पहला क्राइटेरिया है, उसमें महिलाएं जीतने की स्थिति में है तो उनको हम अहमियत देंगे। अक्टूबर लास्ट तक लिस्ट आ सकती है, क्योंकि 12 नवंबर से नॉमिनेशन स्टार्ट है। अब कोशिश करेंगे हम जल्दी करने की। किस्तों में लिस्ट आएगी, एक साथ निकालेंगे। अब देखते हैं कैसे क्लियर होता है, उसे आपको पता चलता है। क्या कह रहे थे शाकिर उस दिन आप? मैं कह रहा था कि मैम 3000 दावेदार है सदस्य। अरे हम लोग बात आगे जो एक मिनट आगे जाओ सर, थोड़ा आगे जाओ। हाँ बोलो। मीडिया वालों की लिस्ट कभी भी आ सकती है, हमारी एक साथ में आएगी। थैंक यू सर।